हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, हैव अ गुड डे। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आज मॉर्निंग में क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में और क्या कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच आज के दिन। पॉसिबिलिटीज़ क्या है उन पर फोकस बना कर रखिए, साथ में यूनिवर्स से प्रे कीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, सभी साइंस वालों के लिए है, सभी जेंडर वालों के लिए है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, क्या है इनके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच कंटिन्यूसली फाइट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जी एक तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कंटिन्यूसली आप दोनों के बीच फाइट हो ही जा रही है, बन नहीं पा रही है, निभ नहीं पा रही है। आपके पार्टनर इस चीज़ से निकलना चाहते हैं, या तो सही करना इनको और जैसे कि नहीं बन पा रहे, फिर भी ये ट्राई करते हैं सही करने का, नहीं होता है तो ये आगे बढ़ने के बारे में मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जब आप दोनों के बीच फाइट हो रहा है तो क्यों ना फोकस यहाँ से हटाकर थोड़ा सा कैरियर पर कर लिया जाए, इस तरह की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं अगर आप दोनों के बीच कंटिन्यूसली फाइट चल रहा है तो। उससे पहले कोशिश करेंगे सही करने का, सही हो जाता है तो यू डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये थोड़ा सा दूरियां बना भी रहे हैं, वो इसी वजह से बना रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूसली फाइट हो रही है। ठीक है, इस फाइट से बचना चाहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहते और लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। आप दोनों से हेट कर, आप दोनों एक दूसरे से नफरत करने लग जाओ, हेट करने लग जाओ, ये नहीं चाहते। तो मामला को थोड़ा ठंडा करने देते हैं, थोड़ा सा दूर जाते हैं। वो कहते हैं ना, दूरियां से एक दूसरे की वैल्यू पता चलती है, कदर होती है एक दूसरे के प्यार का, जो हम नहीं समझ पाते साथ में रहते हुए वो समझने लगते हैं। ये सब सोचकर आपके पार्टनर मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यू डोंट वरी, फोकस कैरियर पर ही होगा और कहीं जा रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं देख पा रही हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, इनका आपका साइन हो सकता है। 5-6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। किसी तरह का गुड न्यूज आपको मिलने वाला है आपके लव रिलेशनशिप को लेकर, या तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर आज फाइट नहीं हो रही है तो फाइट को सुलझाने के लिए आपके पार्टनर कोई एफर्ट्स कर रहे हैं। आप देखने लगोगे इनमें, आपकी ओर आ रहे हैं, दूर से मिलने को आ रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे, ये भी मुझे चांसेस दिखाई दे रहा है। जो आपसे दूरियां बना रहे थे, बना रहा था, बना रही थी, जिसके साथ रिश्ते का एंड हुआ, पेनफुल ब्रेकअप हुआ, वो व्यक्ति आपको कांटेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने खुद आपको दर्द दिया, वो आपके दर्द का मलहम बनते हुए, दवा बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपसे बातचीत कर रहे हैं गुड हेल्दी वे में कर रहे हैं, तो मुझे कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, मुझे मीटिंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आया था, ये कहीं से सक्सेस पाकर, अचीवमेंट हासिल करके आपसे बातचीत कर रहे हैं या तो आपसे मिलने को आ रहे हैं। अब इनकी एनर्जी ऐसा है कि फाइट को सुलझाना है। ठीक है, अगर फाइट वाली एनर्जी पास्ट की रही है तो फाइट को सुलझाना चाहते हैं ये। जो ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस आ रहे हैं आप दोनों के बीच, थर्ड पार्टी आ रही है, उसको रिमूव करना चाहते हैं। जहां पर आपके पार्टनर इमैच्योर एनर्जी में थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, आपको मिस तो बहुत ज़्यादा करते थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, फाइट हो रही थी आप दोनों के बीच, तो उदास थे, परेशान थे इस फाइट से, क्यों आप दोनों के बीच सही नहीं हो रही है, आपको कुछ बताना चाहते थे, ऑफर करना चाहते थे, आपका इंतज़ार करते थे हर वक्त, तो कुछ एफर्ट्स कर सकते हैं, एफर्ट्स देखने को आपको मिल सकता है इनके साइड से। तो मुझे बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कई लोगों के पार्टनर एक्सपेक्ट करेंगे आप दोनों का बातचीत हो जाए, नो कांटेक्ट में हो तो ये चाहेंगे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि काश आप सामने से एक बार कांटेक्ट कर लो, बात इनसे कर लो। ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, कब बातचीत होगी, कब बातचीत होगी, होगी भी कि नहीं, कहीं इसने मूव ऑन तो नहीं कर लिया है, कुछ हो तो नहीं रहा इसके लाइफ में, इससे शादी हो पाएगी कि नहीं, शादी को लेकर कुछ मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच। आप इंतज़ार कर रहे हो शादी का, या तो ये कर रहे हैं, कोई एक चाहता है, कोई एक नहीं चाहता, ये हो सकता है, या कोई एक यहाँ पर मैरिड है दूसरे से, ऐसा भी हो सकता है, ये भी रीज़न हो सकता है आप दोनों के बीच फाइट का।
या ये आपसे जो दूरी बना रहे थे उसका, ठीक है, पर फाइनली आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, कम्युनिकेशन होते मुझे दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच। और अगर आपके पार्टनर दूरी बना रहे हैं तो जान लीजिएगा थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी में है, उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है, किसी के साथ फाइट हो रहे हैं, किसी के साथ फाइट करके आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपकी ओर आ रहे हैं, आपकी ओर बढ़ रहे हैं, ये भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके साथ फाइट नहीं हो रहा है तो किसी और के साथ फाइट होते मुझे इनका दिखाई दे रहा है, किसी के अगेंस्ट जा रहे हैं आपके पार्टनर, ये भी मुझे चांसेस दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्होंने महसूस कर लिया, इन्होंने देख लिया है आपको पाने के लिए, आपकी ओर बढ़ने के लिए, आपके रिश्ते में विक्ट्री सक्सेस के लिए इनको लड़ना होगा, इनको फाइट करना होगा, किसी के अगेंस्ट जाना होगा, कोई खिलाफ है तो मुझे लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है, तो किसी से लड़ाई करके ये आपकी ओर बढ़ रहे हैं रिश्ते में सक्सेस दिलाने के लिए। बहुत मुश्किल है इनके लिए, बहुत मुश्किल होने वाला है, पर मुझे जंग होते हुए दिखाई दे रहा है, लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है, पॉसिबिलिटीज आपको पाने का जुनून सवार है, पर आपको छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत मुश्किल है इनके लिए किसी से लड़ना, लड़ाई झगड़ा करना, उससे पहले इन्होंने चाहा कि शांति से सब कुछ हो जाए, बिना फाइट का शादी हो जाए, आपके साथ आगे बढ़ सके, शादी कर सके, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं जिनके साथ फाइट हुआ था, ठीक है, जिसके साथ ये जो टावर मोमेंट आया था, ओके, तो दूर बैठकर आपको देखते थे, बातचीत नहीं करते थे, पर आपका राह देखते थे और देख देख के बिल्कुल थक चुके हैं जो, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि इंतज़ार कभी ख़त्म होगा भी कि नहीं, कि बस मैं इसको स्टॉक करता रहूँगा, करती रहूँगी, मुझे कुछ करना होगा, क्लियर इसे बात कर ही लेता हूँ, कर ही लेती हूँ, तो इनका ये एनर्जी आप दोनों के बीच सुलह कराएगी, आपके सिचुएशन को चेंज करेगी, ये आपके डेस्टिनी में है, आपकी किस्मत में है, आप दोनों आमने सामने आओगे, फ्रेंडशिप आप दोनों के बीच होगी, क्लियर कम्युनिकेशन होगी, ये आपके रिश्ते को विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, शादी है इस रिश्ते में, अगर इसके बारे में सोच रहे हो तो, लव है आपकी किस्मत में, आपके ट्रू लव है आपकी किस्मत में, आपके सोलमेट, आपके लव, जिनसे आपके बच्चे हैं, ये आपकी रीडिंग में आया है, ठीक है। तो 10 वीक्स तक, 10 मंथ्स तक काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है, आप दोनों साथ में आओ, ठीक है। 2 और 10 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, आने वाला जो मंथ्स है 2 मंथ्स के अंदर 10 मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। 3 नंबर मुझे इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कि तब तक आपकी लाइफ में आपके सोलमेट आ जाए, उनसे फ्रेंडशिप हो आप दोनों का, आप दोनों के बीच प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आप दोनों साथ आ जाओ, फेस टू फेस मीटिंग हो, आओ एक दूसरे के साथ लव रिलेशनशिप में आओ, विक्ट्री रिश्ते को मिले, ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं इन दोनों के बीच क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है आज के दिन होने का, आज क्या कुछ हो सकता है इन दोनों के बीच, आज इन दोनों के बीच क्या कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है, ओके, सक्सेस मिल सकता है, या आपको ऐसा लगता लगेगा, महसूस करोगे आप, आपके पार्टनर महसूस करेंगे, कराएंगे, या तो आप उनको महसूस कराओगे कि ये जो रिश्ता है वो आगे बढ़ेगा, इसमें हमें सक्सेस मिलेगा, सक्सेस मिल सकता है, अभी भी होप है, अभी भी पॉसिबिलिटीज है, बिल्कुल ये जो रिश्ता है वो ग्रो करेगा, विक्ट्री हासिल करेंगे, हाँ ऐसा आपके पार्टनर आपको फील करा सकते हैं, जो चुप थे, साइलेंट एनर्जी में थे, ये बोलेंगे आपसे, ठीक है, अपना साइलेंट एनर्जी, अपना चुप्पी तोड़कर फाइनली आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ये जो एफर्ट्स नहीं कर रहे थे एफर्ट्स करने लगेंगे, जस्टिस वाले एनर्जी में आएंगे, जहाँ पर बैलेंस बनाना है, जस्टिस करना है इस रिश्ते के साथ, आपके साथ, खुद के साथ, इस एनर्जी में आकर मुझे कुछ एफर्ट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और क्या होगा, और क्या कुछ हो सकता है, और क्या कुछ हो सकता है आज के दिन आप दोनों के बीच, कुछ चीज़ ऐसा होगा जिसको आप सेलिब्रेट कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर
कुछ ऐसा होगा जिसको आप सेलिब्रेट करोगे। शादी फिक्स हो गई है, सक्सेस मिल गया है, शादी होने जा रही है, हो रही है, शादी का बातचीत चल रहा है, आपके पार्टनर रिश्ता लेकर आ रहे हैं, आप जा रहे हो, आपके रिश्ते को एक नाम मिल गया है, साथ में आ रहे हो, स्ट्रॉन्ग चांसेस है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये होने का, वाह कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, किसी तरह का सेलिब्रेशन हो रहा है, इंगेजमेंट हो रहा है, शादी हो रहा है, फिक्स हो रहा है। ये तो 4 to 6 months के अंदर होगी, ये 2 months के अंदर होगी, ये आपने जो चाहा, जो मंगा यूनिवर्स से वो आपको मिलेगा। ठीक है, जो आपने मैनिफेस्ट किया वो आपको मिलेगा, सक्सेस आपको मिलेगा। तो ये है आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आए हैं एरीज लियो सेजिटेरियस, स्पेशली टॉरस वर्गो जेमिनाई, एरीज लियो सेजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ऑल साइंस है यहाँ पर आपके लिए। नंबर 5 8 5 5 5 6 6 1 11 4 3 10 1 1 2 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। रिपीटेटिव नंबर काफ़ी ज़्यादा देखोगे आप आने वाले कुछ वीक्स में, कुछ दिनों में। ठीक है, बैलेंस होने वाला है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में नई शुरुआत होने का पॉसिबिलिटीज़ है, साथ में आने का, या जल्द ही अपने सोलमेट से मिलोगे। ओके, आप सही डायरेक्शन में हो, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है ताकि सब कुछ सही हो सके। आपकी खुद की पीस के लिए, अपने लाइफ में सुकून के लिए, जो आप चाहते हो उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट्स करना आपको पड़ेगा। आपको क्या करना है, आपको कुछ और नहीं करना है, खुद पर ध्यान देना है, खुद पर वर्क करना है। ओके गाइस, तो ये रही आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।